हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 से 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो पूरे वीक के फ्रेंड्स करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इस बार जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आई है, उसमें भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है, देखिए 176। एक और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, इस इंडेक्स में टॉप किया है किसने? एस्टोनिया ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इंडिया की रैंक क्या है? 176 टोटल 180 कंट्रीज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमारी अथापथु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे 2024। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो मई 2024 में ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है चमारी अथापथु ने, और ये किस कंट्री से हैं? देखिए तो ये बिलोंग करती हैं श्रीलंका से। मई 2024 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? हमें ये भी याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर गुदाकेश मोटी, तो इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? नाटो की इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन? मार्क रूट। मार्क रूट जो हैं फ्रेंड्स, ये सक्सीड किसे करेंगे? जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। नाटो जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है इसका ब्रूसेल्स बेल्जियम में, और मेम्बर्स कितने हैं इसके? 32। और 32 मेंबर कौन सा है नाटो का? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024 वाज ऑब्जर्व्ड? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 17 जून को फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन की बात करते हैं, सो इस दिन देखिए, जो भी डेजर्टिफिकेशन है या जो मरुस्थलीकरण है या सूखे का प्रभाव है, उससे निपटने के लिए जितने भी हम सहयोग ले सकते हैं, तो लोगों के बीच उसके बारे में जागरूकता फैलाना। 2024 की थीम याद रखिएगा, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को हैड शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड? तो यूनेस्को ने टोटल कितने म्यूजियम को शॉर्टलिस्ट किया है? सही आंसर है देखिए 7। 7 म्यूजियम्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा जो इंडिया का म्यूजियम शॉर्टलिस्ट किया है यूनेस्को ने, तो उसका नाम याद रखेंगे स्मृति वन म्यूजियम। स्मृति वन म्यूजियम जो है गुजरात में है, और इसे यूनेस्को ने जो है प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुए हैं, दोबारा से चुने गए हैं सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका जो है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं इसकी लोकेशन, कैपिटल यहाँ की है प्रिटोरियो, केप टाउन और ब्लेमफोंटेन, और करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट है, लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज हैव एग्री टू प्रोवाइड हाउ मेनी डॉलर लोन टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स फाइट अगेंस्ट रशिया? तो G7 जो कंट्रीज़, जो 7 कंट्रीज़ हैं देखे G7 में, G7 के धनी लोकतंत्र के नेताओं ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने डॉलर लोन देने पे सहमति जताई है? तो टोटल अगर बात करते हैं, $50 बिलियन का जो लोन है वो दिया जाएगा यूक्रेन को उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि रशिया के आगे वो फाइट कर सकें। ओके, और ये जो फंडिंग है ना, इस फंडिंग को जाना जाता है किस नाम से जाना जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवेन्यू एक्सलोरेशन लोन्स फॉर यूक्रेन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड सपोर्ट टू द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? कौन सा संगठन शहर में स्थाई
अवशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देगा? आंसर है यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, सो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट है अजय बांगा, एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स कितने हैं? 189। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नागास्त्र फर्स्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में देखे खबरों में रहा नागास्त्र एक जो है वो क्या है? तो नागास्त्र जो है ये एक मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन है। इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है नागास्त्र फर्स्ट, जो कि एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन है। इसे डिज़ाइन इस तरह से किया है कि दुश्मनों के देखे जो भी कैंप्स होंगे, जो शिविर उनके होंगे या घुसपैठी हैं, उनको सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए जो है इन्हें डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टी के चथुन्नी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 75 इन कोची, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो टी के चथुन्नी जी की बात करते हैं, ये किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो इस सेवा को शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात करें पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस के बारे में, तो ये एक इंट्रा स्टेट एयर सर्विस है जो कि स्टेट के जितने भी देखे रिलीजियस और टूरिस्ट स्पॉट होंगे उनको बाय एयर कनेक्ट करेगी। यानी स्टेट में जो धार्मिक स्थल है देखिए, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो उनको बाय एयर जो है कनेक्ट किया जाएगा पीएम टूरिज्म एयर सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म रानीपुर टाइगर रिजर्व इंटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व को देखिए एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदलेगी यूपी की सरकार। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये यूपी के चित्रकूट शहर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट। 3-सितारा ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, श्रुति बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या देशमुख जो कि अभी हाल ही में फ्रेंड्स न्यूज़ में रही थी अपने रिमार्केबल अचीवमेंट के कारण, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करें दिव्या देशमुख के बारे में, तो ये एसोसिएटेड किससे हैं? चेस शतरंज से जो हैं ये जुड़ी हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों रही थी? तो अभी देखिए जो वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप हुई उसमें अपनी बुल्गारिया की जो है इनकी अगेंस्ट में बुल्गारिया की थी, उनको हरा कर जो है दिव्या देशमुख ने ये चैम्पियनशिप जीती है, तो इसलिए न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑटिस्टिक प्राइड डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। ऑटिस्टिक गौरव दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 18 जून को मनाया गया है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे फर्स्ट बार जो है कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन ऑगस्त 2024। तो अगस्त में देखिए कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? इस एक्सरसाइज को इस बार होस्ट करेगा फ्रेंड्स भारत देश। पहला है, पहली बार ये एक्सरसाइज होगी तरंग शक्ति, जो कि इंडिया में होगी। इसमें देखिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 कंट्री लगभग जो है इसमें भाग लेंगी। ये जो एक्सरसाइज है वो दो फेज़ में होगी। इसका पहला फेज़ होगा साउदर्न इंडिया में अगस्त के पहले दो हफ्तों में। उसके बाद अगस्त से लेके जो बाकी जो अगस्त का टाइम बचा उस अगस्त से लेके मिड सितंबर तक इसका दूसरा फेज़ होगा, जो कि वेस्टर्न जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज इसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बी द डैश कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन। भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? तो इंडिया बनेगी 6th कंट्री जो कि लॉन्च करेगी खुद का डीप सी मिशन। ये जो मिशन है सिर्फ मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि
इससे जो है इसका मेन उद्देश्य है जो ओशन साइंस है, महासागर विज्ञान है, उसके नए पहलुओं का पता लगाना। तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। जो फ्लोरा और फौना है देखिए महासागरों में, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके संरक्षण के लिए भी ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, विच सिटी डिड द 2 डे इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूड इन? 2 दिन का जो भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन के शहर में संपन्न हुआ है, तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम? ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम को किसने शुरू किया है? तो इस सिस्टम को स्टार्ट किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। ये जो सिस्टम है देखिए, ये हेल्प क्या करेगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे उसको प्लान करना, उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने में हेल्प मिलेगी, रिवर वाटर क्वालिटी, जो नदी जल की गुणवत्ता है, या जो भी अदर की पैरामीटर्स हैं उनमें काफ़ी मदद मिलेगी इस सिस्टम से। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा स्थल इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स? संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो फिर इसे इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। ये जो प्रेरणा स्थल है देखिए, इस प्रेरणा स्थल पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो रही हैं, जो ग्रेट लीडर्स रही हैं, उनके स्टैचू, उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन एसोसिएटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन? तो फ्रेंड, जो एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन से उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर कपिल दुआ को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड अ 2024 कावली प्राइज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस एंड नैनो साइंस? सो 2024 में देखिए कावली प्राइज के को जो कावली पुरस्कार है कितने वैज्ञानिकों को मिला है, तो 8 वैज्ञानिकों को मिले हैं कावली प्राइज। अब देखिए मैं आपको अलग अलग फील्ड में बता देती हूँ किन किन को मिले हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में अवार्ड मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड चारबोनी को, MIT के सारा सीगर, तो ये दोनों को एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है। नैनो साइंस में 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, रॉबर्ट लेंगर, अरमेंड पॉल, इसके अलावा चार्ड मिर्किन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, न्यूरो साइंस में भी 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, नैन्सी कानविशर जो कि MIT से हैं, विनरिच फेरवेल्ट रॉकफेलर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉरिस शाओ। तो इन 3 साइंटिस्ट को न्यूरो साइंस में जो है ये अवार्ड मिला। सो टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स? टोटल याद रखेंगे 8 साइंटिस्ट को मिला है कावली प्राइज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सुबैया नल्ला मुथु जी को। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाई सेंट्रल बैंकिंग, अ लीडिंग पब्लिकेशन बेस्ड इन लंडन UK? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है किसने? RBI ने। RBI की तरफ से ये अवार्ड रिसीव किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोरंजन मिश्रा ने। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं RBI के बारे में। RBI की देखिए स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 4 देखिए RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं, टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, द साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द नेम ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024? सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा है कि जो साहित्य अकादमी है उन्होंने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की है? आंसर है 23। 23 में से हमें सभी देखो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इंग्लिश कैटेगरी में अवार्ड मिला है के वैशाली, और इन्हें ये अवार्ड मिलेगा इनके मेमोयर होमलेस के लिए। हिंदी कैटेगरी में अवार्ड किसे मिलेगा? गौरव पांडे ने अवार्ड जीता है, और इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी।
तो यहाँ पे इनके जो कलेक्शन है या बुक्स नोवेल्स हैं इनके नाम ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है इन जून 2024 हु इच्ड हर नेम इनटू द हिस्ट्री बुक बाय बिकमिंग द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द नेशन। देश के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर किसने अपना नाम इतिहास की किताब में दर्ज करा लिया, तो किसने करा लिया है, राइट आंसर इज स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द ग्रैंड प्रिक्स 2024 कॉम्पिटिशन, और ये कॉम्पिटिशन हुआ है कहाँ पे, चेक रिपब्लिक में। तो चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है, लवलीना बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड, तो विश्व सिकल सेल दिवस किस दिन मनाया गया है, तो 19 जून को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन देखिए लोगों को ना इस डिसीज़ के बारे में जो है नॉलेज दी जाती है, उनको बताया जाता है कि कैसे आप इसे अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, आप इसका शीघ्र निदान कर सकते हैं, कैसे जो है जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं किस तरह से जो है उनके देखभाल को अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में फोकस किया जाता है इस दिन। और इसकी थीम क्या है, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, तो 2024 की है ये इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूज़ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मोतीलाल कंपनी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को। ये इंडिया का पहला इंडेक्स फंड है जो कि ऑफर करता है एक्सपोजर टू डिफेंस स्टॉक लिस्टेड इन इंडिया। इंडिया में सूचीबद्ध जो रक्षा शेयर है उसमें निवेश करने वाला ये भारत का पहला इंडेक्स फंड है, और इस इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस किया है मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने। तो इसलिए उस कंपनी का जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मेड चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट, इट हैज़ रिमूव्ड द टर्म डैश। अभी एनसीईआरटी ने ना जो अयोध्या डिस्प्यूट था, ट्वेल्थ की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है देखिए उसमें अयोध्या के ऊपर जो है पूरा एक टॉपिक था, एक चैप्टर था, उसमें उन्होंने जो है किस टर्म को हटा दिया है, तो उसमें से बाबरी मस्जिद का जो शब्द है वो हटा दिया गया है। तो पूरा का पूरा जो है वो फोकस किया गया है राम मंदिर टेम्पल के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, लेकिन जो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था उस टर्म को एनसीईआरटी ने हटा दिया है जो है टेक्स्ट बुक से। एनसीईआरटी का पूरा नाम देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। इस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है करंट में, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। किस राज्य के ये राज्यपाल हैं जिनका भी निधन हो गया, तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ये रहे हैं उड़ीसा स्टेट के फॉर्मर गवर्नर। तो उड़ीसा के जो हैं ये अगस्त 2007 से लेके मार्च 2013 तक यहाँ के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन मित्र स्कीम। अब यहाँ पे वन मित्र स्कीम को लेके दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है ये स्कीम अलाउ करता है वन मित्र को जो कि प्लान करेंगे 1000 सैपलिंग्स को। सेकेंड स्टेटमेंट है इस स्कीम के पहले ईयर में जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको हर एक पिट के लिए कितने रुपए रिसीव होंगे, 80 रुपए। अब इन दोनों में से बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। वन मित्र स्कीम जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था। वन मित्र स्कीम के अंडर क्या था, देखिए कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होगी, जैसे कोई ऐसा एरिया है जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे पेड़ नहीं है, सो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ की लोकल कम्युनिटी और वहाँ का जो यूथ है उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटिंग में पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 60 साल के बीच में,
जो भी इंडिविजुअल हैं वो वन मित्र बनने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और उनको 1000 सैपलिंग लगाने का एक टारगेट है जो कि पूरा करेंगे और सरकार इसके बदले उनको कुछ अमाउंट भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट देखिए तेसम पोंगटे, ये भी किस राज्य की विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तेसम पोंगटे जो है ये अरुणाचल प्रदेश असेंबली के बने हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट हेमिस फेस्टिवल कौन से स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया गया, तो फ्रेंड्स हेमिस फेस्टिवल जो है ये मनाया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। हेमिस फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है तिब्बतन कैलेंडर का जो पांचवा मंथ होता है, पांचवें मंथ के 10वें दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक इन द टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। नाइट फ्रैंक की देखिए जो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स आई है उसमें टॉप 3 सिटीज़ में से कौन सा भारत का एकमात्र शहर शामिल है। टॉप 3 सिटीज़ में से मुंबई को जो है इसमें शामिल किया गया है। अब टॉप 3 सिटीज़ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है मनीला, 2nd पे दुबई और 3rd पे है मुंबई। तो मुंबई को तीसरी रैंक मिली है वर्ल्ड में। अच्छा जो ये नाइट फ्रैंक जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, शिशिर बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, रविचंद्रन अश्विन की। अगला क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वॉज ऑब्जर्व्ड, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया गया है। तो 20 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। दुनिया भर के देखे जो भी रेफ्यूजी हैं उनकी स्ट्रेंथ उनके करेज को ऑनर किया जाता है इस दिन। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है की थी 4 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना की थी। पहली बार ये दिन मनाया गया था 20 जून 2001 को। अब बात करेंगे 2024 की थीम क्या है इसकी, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। नेक्स्ट है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल विजिट प्योंगयांग, दिस विल बी हिज फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्थ कोरिया इन हाउ मेनी ईयर्स। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्योंगयांग का दौरा करेंगे, यह कितने वर्षों में उत्तर कोरिया की उनकी पहली यात्रा होगी। सही आंसर है 24 ईयर्स। इससे पहले उन्होंने उत्तर कोरिया को विजिट किया था 2000 में और 24 ईयर्स के बाद जो है अब रशिया के प्रेसिडेंट विजिट करेंगे नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है। आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, प्राइम मिनिस्टर है श्रेथा थाविसिन। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट यूज्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट टू डिस्कवर अ न्यू पैटर्न इन सोलर रोटेशन। सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है, तो इस सैटेलाइट को नाम क्या दिया है, चेज। चेज जो है इसका पूरा नाम है चाइनीज एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 अक्टूबर 2021 को। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं और फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर्स की कोई भी ई बुक देखे बाय करना चाहते हैं मंथली या फिर जनवरी से मई तक की करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो इस ई बुक इन सभी ई बुक्स को बाय करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सभी बुक्स मिल जाएंगी और आप इजीली उन सभी बुक्स को जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगती है आप वहाँ से इजीली बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2024 इंडियन रेलवे हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल इंस्पेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज, वेयर इज़ दिस ब्रिज लोकेटेड। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चेनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। ये पुल कहाँ स्थित है, तो ये पुल है फ्रेंड्स कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, शॉर्ट में इसे कहते हैं निसार। तो निसार के बारे में इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट विल मैप द एंटायरली जो
अर्थ का जी के सरफेस है उसे 12 दिन में दो बार ये पूरी तरह से मैप कर सकता है। इट विल द फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट जिसमें डुअल फ्रिक्वेंसी यूज़ की गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। निसार को याद रखिएगा, ये नासा और इसरो का जो है जॉइंट मिशन है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स पुलिस इन एसोसिएशन विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कमेटी हैव लॉन्च्ड अ मिशन निश्चय। मिशन निश्चय को किसने शुरू किया है? तो पंजाब की जो है स्टेट पुलिस ने जो है इस मिशन को शुरू किया है, और किसके साथ मिलकर? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मिलकर। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा सीट्स हैं 7, लोकसभा की हैं 13 और असेंबली सीट्स हैं 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आंसर है असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इनॉग्रेट किए हैं जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को। असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है, सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, यहाँ का स्टेट फ्रूट है काजी नींबू, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और लोकसभा की हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसुर, केरला में। अगला क्वेश्चन है, विनोद गणात्रा इज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज ऑनर्ड विथ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाता कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया, कौन से पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, तो इनका नाम याद रखना है विनोद गणात्रा। विनोद गणात्रा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ये अवार्ड मिला है? तो आंसर है यहाँ पे फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स अ होम। किसने लॉन्च की है ये बुक? तो आलिया भट्ट ने जो है फ्रेंड्स इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड विसे हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डेविड विसे जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 ली जी जिया हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। सो यहाँ बात करते हैं ली जी जिया, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का पुरुष एकल खिताब, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मलेशिया से। इसी कंपटीशन में देखिए जो चैम्पियनशिप है इसमें वुमेन सिंगल की विनर कौन है? जापान की अया अहोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल योगा डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया? तो 21 जून, 21 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल योगा डे। इस बात देखिए इसका 10th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, तो लोगों को योगा के बेनिफिट्स के बारे में जो है बताया जाता है इस दिन। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 से ये दिन जो है एनुअली मनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम, जो कि याद रखिएगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What rank did India achieve on the Global Energy Transition Index? और इसे रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया को इसमें रैंक मिली है 63rd। टॉप किया है इसमें तो स्वीडन देश ने जो है इस इंडेक्स में टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द मेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन इन श्रीनगर ऑन 21st जून। 21 जून को श्रीनगर में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने।
नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो इस नए कैंपस को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। 3 बार इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया, बट 2 बार इसे दोबारा से रिबिल्ट कर दिया गया था, लेकिन 3री बार जब इसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जितनी भी यहाँ पे बुक्स थी सभी में आग लग गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी जलती रही। तो अभी इसी यूनिवर्सिटी एक नए कैंपस को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मेनी खरीफ क्रॉप्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी? कितनी क्रॉप्स के लिए मंजूरी दी है? 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए मंजूरी दी है। कुछ के नाम जैसे कि पैडी, रागी, बाजरा, ज्वार, मेज, कॉटन, तो इस तरह से 14 खरीफ फसलें हैं जिनके MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी टोटल लिस्ट है 14 फसलों की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ डिप्लॉयड MI-17V5 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विंसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? आंसर, इंडियन एयरफोर्स ने। और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच इंडियन पोर्ट रैंक हाईएस्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला? तो इंडिया में जो सबसे आगे रहा बंदरगाह वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है, डेविड जॉनसन डाइड एट 52 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट्स बालकनी। विच स्पोर्ट वॉज डेविड जॉनसन एसोसिएटेड विद? अच्छा, डेविड जॉनसन, इनका भी देखिए हाल ही में निधन हो गया। अब इनकी खुद के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से इनकी मौत हुई है। कौन से खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव अग्रवाल को। पेटीएम जो है फ्रेंड्स, पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में, हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है? तो किसे किया गया है? थियो जेम्स को। थियो जेम्स जो है ये एक्टर हैं और जिनको बनाया है गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द पावो नूर्मी गेम्स अहेड ऑफ द ओलंपिक्स 2024। ओलंपिक से पहले देखिए पावो नूर्मी खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इंडिया के नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे वॉज ऑब्जर्व्ड। विश्व वर्षा वन दिवस किस दिन मनाया गया? तो 22 जून को जो है मनाया गया है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। इस दिन का उद्देश्य है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द रेन फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उनको सुरक्षित करें, ये इसका उद्देश्य है। पहली बार ये दिन मनाया गया था 2017 में, और इसकी थीम क्या है इस बार की? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच सोली डेडिकेटेड टू अनमैंड सिस्टम, और कहा गया है इसे अनमैंड सिस्टम्स फोर्सेस। किस देश ने जो है मानव रहित प्रणाली बल जो है इसकी स्थापना की है? तो इसकी स्थापना की है यूक्रेन कंट्री ने। यूक्रेन जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है कीव, करेंसी है यहाँ पे हर्वीनिया, प्रेसिडेंट है यहाँ के वोलोदिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट है, द इंडिया डैश ट्राइलेटरल मीटिंग
आइडेंटिफाई न्यू प्रपोजल्स टू एक्सपेंड द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। सो ये त्रिपक्षीय बैठक किस किस के बीच में हुई है, देखिए इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, और ये इस बार हुआ है इसका कौन सा, थर्ड एडिशन हुआ है। अगला है विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो यूरोसेंट्री 2024। कौन सा शहर दुनिया के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा एक्सपो यूरोसेंट्री 2024 की मेजबानी कर रहा है, तो इसे होस्ट कर रहा है पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री पास्ड अ बिल बैनिंग द हिजाब एंड अदर अलाइन गारमेंट। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो इसे अभी पारित किया है किस देश ने, ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान की कैपिटल जो है फ्रेंड्स है दुशांबे और यहाँ की करेंसी है सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 विच सिटी ऑफ इंडिया इज रैंक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की, इसके अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है, राइट आंसर है मुंबई। लेकिन मुंबई जो है इंडिया में तो देखिए सबसे महंगा शहर है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, याद रखिएगा हांगकांग। और इस रैंकिंग को किसने पब्लिश किया है, मर्सर इंस्टीट्यूट ने। हु लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवर बर्न इंजरीज इन डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने से घायलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने शुरू किया, तो इस स्किन बैंक को शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और आर्मी स्टाफ के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कास्ट बेस्ड सर्वे इन दी स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी, तो इसे शुरू किसने किया है, झारखंड राज्य ने। सो झारखंड के जो सीएम है चांपाई सोरेन, उन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन लिया। सीएम का ऐसा कहना है कि कास्ट वेस्ट जो सर्वे यानी जाति आधारित जो सर्वेक्षण है, इसका उद्देश्य है राज्य में अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो व्यापकता है उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्जुन एरिगेसी जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। अर्जुन एरिगेसी की बात करें तो फ्रेंड्स इनका संबंध किससे है, शतरंज चेस से। सो अभी देखिए स्टीफन एफग्यान मेमोरियल 2024 कॉम्पिटिशन हुआ था आर्मेनिया में, और इस कॉम्पिटिशन को किसने जीता है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने, तो इसने ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज का हमारा जो पूरा फ्रेंड्स ये जो वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखें हमारी कोई भी ईबुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें www.ravibookspdf.com। अब फ्रेंड्स आपसे हम दो यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिनके आंसर आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। पहला क्वेश्चन है देखिए हेमिस फेस्टिवल या हेमिस सेशो जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो ने जो है नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। Thank you so much for watching this video.